ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਛੱਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਚਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ, ਆਪ ਛੱਤ ਪੇ ਆਇਆ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ, ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਆਜ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਗੋਪਰੋ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सुबह मैंने इसको चार्ज करा, बाहर निकाल के देखा, थोड़ा फूला हुआ था, मैंने इसको दोबारा लगा दिया, ये निकल नहीं रही थी। जब मैं इसको निकाल रहा था तो इसमें से धुआं निकला और ये फूक गई। तो अभी हम जा रहे हैं लाजपत नगर बैटरी लेने के लिए। बैटरी लेने के बाद हमें एक कैफ़े के अंदर जाना है, आपको दिखाएँगे कैसा रहेगा आज का वीडियो। तो यहाँ से निकलते हैं सीधा, आपको स्टोर पर मिलते हैं, कैमरा स्टोर पर जहाँ से हमने बैटरी लेनी है, और वहीं से जो है हमारी मोटो ब्लॉग स्टार्ट होगा। यहाँ से मैं बिना मोटो ब्लॉग सेटअप लगाए जा रहा हूँ वहाँ पर जाके, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो मोटो ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो सीधा मिलते हैं कैमरा स्टोर पर। ये हमारी पुरानी बैटरी है और ये हमारी नई बैटरी है। तो भैया कर दो बैठ। और कुछ चाहिए सर? नहीं, अभी फ़िलहाल यही चाहिए। पानी वगैरह लेंगे? हाँ, पानी पिला लीजिए आप। तो ये पुरानी बैटरी है, इसका हो गया सत्यानाश, तो हमने ले लिया अब नई बैटरी। तो बेसिकली मैं दूसरे स्टोर से परचेजिंग करता हूँ, पहली बार यहाँ पर GoPro स्टोर आया हूँ, क्योंकि जो दो स्टोर जहाँ से मैं शॉपिंग करता हूँ उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं करा था, लेकिन इन्होंने पहली बार में फ़ोन पिक कर लिया, तो ये बैटरी लेने में सीधा यहाँ पे आ गया। तो करवा दीजिए इसकी बिलिंग वगैरह। जी सर, थैंक यू सो मच। तो बैटरी लेके हम निकल चुके हैं लाजपत नगर से टूवर्ड्स नोएडा सेक्टर 132। मेरे पास है GoPro हीरो 8। मेरे पास टोटल दो बैटरी थी और एक बैटरी जो है अभी इस कैमरे में जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो है बैटरी। बट एक जो एक्स्ट्रा बैटरी मैंने ली थी वो ख़राब हो गई थी ओवर चार्जिंग की वजह से, क्योंकि चार्जिंग लगा के मैं भूल गया था और काफ़ी देर तक वो चार्ज होती रही, उसमें मेरी ही गलती थी। तो हमने जो है बैटरी यहाँ से ले ली है, क्योंकि देखिए अगर वीडियो बनानी है तो इक्विपमेंट अपडेट रहने चाहिए, अपडेटेड रहने चाहिए, और जो भी चीज़ ख़राब हो साथ के साथ चेंज करते रहो, तभी लाइफ में जो है मज़ा बना रहेगा, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 132 थ्रॉटल शॉटल नोएडा। वैसे तो गुड़गांव के अंदर भी है GFR के ऊपर थ्रॉटल शॉटल, बट नोएडा हमें नज़दीक पड़ता है इसलिए हम यहाँ वाले पे जा रहे हैं। तो आज है वेडनेसडे, आप सोच रहे होंगे वीकडे राइड है, ओह माई गॉड बलून्स, ओह आज हमें वीक ऑफ मिला है ऑफिस से, लेकिन संडे को हमें जाना पड़ेगा, तो हमने सोचा कि इस वीक ऑफ का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो वेडनेसडे को हमने बैटरी भी ले लिया और एक कैफ़े में गेड़ी लग जाएगी, बढ़िया सी राइड हो जाएगी, और क्या चाहिए। तो गाइस इस समय हम आ चुके हैं D&A फ्लाईवे, जो कि दिल्ली को नोएडा से और नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। पीछे लाजपत नगर से लेकर आश्रम मोड़ तक इतना जाम था कि जिसकी हद है, लगभग 20 से 25 मिनट मेरे को लग गए वो जाम क्रॉस करने में। तो आपसे भी गुजारिश है, अगर आप इस रोड से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया अब रास्ता है ही नहीं यहीं से आना, तो आएँ, अदरवाइज़ इस रोड को जो है इग्नोर करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। बाकी फाइनली मौसम अच्छा है, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, अगर गर्मी होती तो बुरा हाल हो जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम D&D आ गए हैं, अब हम नोएडा जाएंगे, नोएडा के बाद सीधा हम जाएंगे सेक्टर 132। दोस्तों हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले बिल्डिंग का नज़ारा देखो, वाओ। सो हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप जो है प्लान कर रहे हैं, तो अभी हमारा प्लान ये है कि कोई ऐसी ट्रिप प्लान की जाए जिसमें हम वन डे अप एंड डाउन कर सके, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट 200-225 किलोमीटर्स वन साइड हो, तो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो अभी दो तीन चीज़ें हमारे माइंड के अंदर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी सजेस्ट करें कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जिनमें हम सुबह जाएं और रात तक अपने घर आ जाएं, एक ही दिन में अप डाउन कर सके और दूर हो लगभग 200 किलोमीटर, सवा 200 किलोमीटर। तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें सजेशंस दे सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई ऐसी डेस्टिनेशन है तो। और लेकिन
ट्रिप पे जाने से पहले मेरे को लगता है ये वॉइजर मेरे को हटवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने राइड करते हुए जब मैं DND पे राइड कर रहा था तो मेरे को फील हुआ कि विंड जो है मुंह की तरफ यानी कि कैमरे की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वाइज़र मेरा जो था ओपन था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फील हुआ कि हवा जो है सीधी मुंह पे पड़ रही है, तो जिसकी वजह से वॉइस कैंसिलेशन भी हो सकती है। तो दोस्तों अभी बाइक चलाते चलाते मुझे याद आया है कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो, वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको एक बटन ही दबाना है, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। लास्ट वीक वीडियो नहीं आई, उसका रीज़न ये था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और संडे बिल्कुल बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं आएंगी, वीडियोस लगातार आएंगी, जब जब हमें टाइम मिलेगा तब तब वीडियो आएगी, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो टाइम निकाल के हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल, तो फटाफट से अभी जो है सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। सो गाइस, इस समय हम पहुँच चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पास। मैंने बाइक जो है अंदर की तरफ से लिया, हाईवे से नहीं ली, रीज़न था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगता है। तो ये बिल्डिंग्स देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत है, और अंदर की तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत इजीली हम सेक्टर 132 तक पहुँच सकते हैं, इसलिए जो है मैंने बाइक अंदर से ली है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय नोएडा सेक्टर 128। तो राइट साइड पे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं अभी, ये वाली, ये है एक्सिस हाउस का हेडक्वार्टर, और ये है आपके भाई का, जी हाँ आपके भाई का ऑफिस, जहाँ आपका भाई डेली आता है, मेहनत करता है, अपनी किस्मत को आजमाता है और चलता रहता है, रुकता नहीं है। यही है वो जगह, मेरी कर्म भूमि, एक्सिस हाउस नोएडा सेक्टर 128। आज वीक ऑफ है, फिर भी तुम्हारा भाई देखो इसके आसपास ही घूम रहा है, इतना प्यार करता है अपने ऑफिस से। तो कल यहीं पे आना है, यहीं से अपनी ज़िंदगी जो है डेली सुबह 9 to 5 चलती है और चलती रहती है, हम रुकते नहीं हैं। तो ये आ गया है हमारा थ्रॉटल शटल बार कैफे। दुन 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 दुन, देख सकते हो आप तो आ चुके हैं हम थ्रॉटल शटल नोएडा अपनी जगह पे, देख सकते हो कितना खूबसूरत है। गूगल बाबा ने थोड़ा सा घुमा दिया था, बट इट्स ओके, हमें गूगल बाबा हमेशा घुमाते हैं, बट लुक एट दिस ब्यूटी, थ्रॉटल शटल नोएडा, पोज फॉर कॉफीज, द डॉग फ्रेंडली कैफे। अच्छा जी, यहाँ पे डॉग्स भी आ सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस समय थ्रॉटल शटल नोएडा के अंदर, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है। सीधा चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या हम खाते हैं क्या नहीं खाते, बिल्कुल मज़ा आने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मिलते हैं अंदर। बैठने का है, अगर आउटसाइडर आप पसंद करते हो कि आउटसाइड में बैठना, खुले में बैठना पसंद करते हो, तो ये भी कुछ एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस खाना पीना हो गया है, वीडियोग्राफी भी पूरी कर ली है, वीडियो शूट कर ली है, फ़ोटोज़ भी खिंचा ली हैं, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना,
ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टे ट्यून्ड, जगजीत कौर आवर।